फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बाल गोपाल के लिए येलो और रेड कलर की ड्रेस सिखाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में हमने कान्हा जी की हैट डाली थी और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट में मैं उसके साथ की ड्रेस लेके आने वाली हूँ। आई होप आप सबको आइडिया अच्छा लगेगा। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखिए। आप अच्छे से अच्छे ड्रेसेस बनाना सीख जाएंगे। इस ड्रेस में मैंने चोली का वर्क नहीं सिखाना है, क्योंकि चोली मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाई है, इसलिए मैं चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने येलो कलर की अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हमने तीन की चेन बनानी है। इस तरह से हमने चेन बनाई है। इसको हम पहला डबल क्रोशिया गिनेंगे और इसके बाद जो हमारे अगले वाला स्टिच है, देखिए, इसमें इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे। हुक इंसर्ट करके यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया करना है। हमारा यहाँ पर सारा वर्क इसी तरह से चलने वाला है। अब नेक्स्ट में हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर हमारा पूरा वर्क ऐसे ही चलने वाला है। यहाँ पर हमने सबसे पहले तीन की चेन से स्टार्ट किया था और अगली चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाया, उससे अगली चेन में एक बार, और उससे अगली चेन में जब जाएंगे हम, यहाँ पर फिर से दो बार डबल क्रोशिया होगा। मतलब एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं। इसकी अगली चेन में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया, मतलब एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट चेन में जब जाएंगे वहां पर फिर से हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है। हाथ थोड़ा लूज रख के चलना है ताकि ये टाइट ना बने एकदम से। ड्रेस अच्छे से घेरा खुल जाएगा अगर आप हल्के हल्के हाथों से और लूज ड्रेस बनाएंगे तो। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने सेकेंड रो स्टार्ट करनी है। इसमें अब जहाँ हमने दो फंदे बढ़ाए थे, जहां पर हमने एक चेन में दो कुंडे किए थे, वहीं पर हमने अब फ्रंट पोस्ट करना है। वो देखिए हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले हम तीन की चेन बनाएंगे, एक, दो और ये तीसरी। तीन की चेन बन गई है। अब यहाँ पर इसमें से हम इस तरह से उठाएंगे ऊपर की तरफ से और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसी तरह अब जो दूसरे वाला है उसके ऊपर भी हमने फ्रंट पोस्ट करना है। बल लेके उसी में से, ये देखिए इस तरह से सेकेंड वाला था जो, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करना है। यहाँ पर अब हमारे फंदे आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो अब नेक्स्ट वाला है, इसमें हमने इस तरह से हुक इंसर्ट किया, तीन, तीन का दो और दो का एक कर देंगे। इस तरह से हमारी पूरी रो चलने वाली है। इसके ऊपर जो फंदे बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में हमने हुक इंसर्ट किया, यहाँ पर तीन है, तीन का दो, दो का एक कर दिया। अब फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखिए इसके ऊपर ही चलता जाएगा। इसी तरह से ये पूरी रो जो है कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं थर्ड रो बताती हूँ किस तरह से करनी है। यहाँ हम सेकंड रो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में आकर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद थर्ड रो स्टार्ट करनी है हमने। यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हैं, इस साइड पर एक चेन आएगी, उठी उठी चेन आएगी, जिसके ऊपर बाद में हम रेड से कैसे वर्क करना है लास्ट में बताएंगे आपको। थर्ड रो में हमने क्या करना है, उसी तरह से हमने पहले तीन की चेन बनानी है और ये तीन। इस पे भी जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया था उसी के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे फंदे जो है बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखिए इसी के ऊपर फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं। पहले हमारे दो बड़े थे, अब उसके ऊपर तीन बढ़ जाएंगे और जहाँ पर फ्रंट पोस्ट है उसकी जगह पर हमने फ्रंट पोस्ट ही करते जाना है। इसी तरह से हमने ये रो को कम्प्लीट करते जाना है। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही किया है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हुक इंसर्ट करेंगे। चेन में हुक इंसर्ट करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर अब हमने तीन करने हैं और इसमें एक बार और से। इस तरह से ये रो भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। आपको जितनी कान्हा जी की ड्रेस की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अपनी रोज कंप्लीट कर लें।
और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर रेड कलर से वर्क कैसे करना है। ये देखिए उठाएगा इसको, जब हम कंप्लीट कर लेंगे, मैंने यहाँ पर 6 रोज बनानी है। 6 रोज कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी रेड कलर ज्वाइन करके किस तरह से वर्क करना है। तो पहले हम अपनी रोज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। हमने ये रेड कलर के किंगरी करी है इसके बॉर्डर पर। ये मैंने आपको बताना है किस तरह से करनी है। आधी हमने करके रखी है, लास्ट के पार्ट पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होगी ये। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो हमने चेन्स बनाई थी इस तरह से आई है, उठी उठी की तरफ से काफी अच्छी लग रही है। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना है, इस तरह से हमने यहाँ पे हुक इंसर्ट कर लिया है। इस तरह से लेंगे और इसको हम बीच में से निकालेंगे तो हमारे पास 2 चेन्स बन जाएंगी। 2 चेन को हमने इस तरह से निकालना है और यहाँ पर बंद कर देना है। और इसके बाद हमने बल लेकर एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद अगले जहाँ पर हमने हुक बनाया था यहाँ से बीच में से उठाना है, चेन में से नहीं उठाना है, जो बीच वाला लूप है यहाँ से उठाएंगे और इसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए थोड़ा धागा खींच कर चलिएगा। ये देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। फिर हम बल लेंगे और फिर इसी लूप में से एक बार और डबल क्रोशिया कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप करनी है और अगली वाली में से निकालते हुए इसको इस लूप को कंप्लीट कर देना है। फिर उसी तरह से हमने यहाँ पर एक चेन बना लेनी है, 2 हो गए थे उसकी एक चेन बनाई है, इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह इस लूप में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। बस इसी तरह से ये जो हमने किंगरी है ये कंप्लीट करनी है और लास्ट में हमने इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आके हम इसको बाद में बंद कर देंगे। आई होप आप अच्छे से इस ड्रेस को समझ पाए होंगे। अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पहले भी अपने चैनल में सिर्फ किंगरी की भी, यहाँ पे किंगरी और बीडिंग किस तरह से की जाएगी उसकी भी वीडियोस डाली हुई हैं, चोली किस तरह से बनाई जाएगी मैंने हर नंबर के कान्हा जी की अपलोड कर रखी है, तो आप जरूर देखिएगा उसे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ पर हुक इंसर्ट करेंगे इस तरह से और इसे बंद कर देंगे। इसके बाद धागा कट करके यहाँ पर हमने नोट लगा देनी है और इस धागे को कटिंग कर देनी है। देखिए ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। आप इस तरह की ड्रेस अपने बाल गोपाल को डालिएगा। बसंत पंचमी पर येलो कलर की ड्रेसेस पहनाई हुई बहुत प्यारी लगती हैं, तो आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।